यूँ तो दलित समाज सामाजिक उपेक्षाओं के वजह से आर्थिक रूप से हमेशा से कमज़ोर रहा है लेकिन अपने समय में कुछ दलित ऐसे जन्मे जो अपने सफलता के झंडे अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में अपने सफलता के झंडे गाड़ दिए आज के वीडियो में इकलौते दलित और अपति की चर्चा करूंगा जो अडानी अंबानी को टक्कर देने का काम करते हैं और पूरे भारत को एक साथ बैठ कई महीनों तक यू ही खिला सकते हैं आज वैसे ही शख्स का नाम है राजेश सरैया जी हाँ राजेश सरैया जो कि दुनिया के छठे नंबर के अरबपति हैं और, है और दलित में सबसे पहले नंबर के अरबपति में दलित सरैया का नाम बड़े ही अदब के साथ लिया जाता है दलित सरैया जिनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ था जब वो बचपन में थे तो उनके पिता जो है मज़दूरी करके राजेश सरैया को पढ़ाते थे और जब वो पढ़ाने के लिए उनको देहरादून में भेजे तो उनकी पढ़ाई की स्थिति काफ़ी एवरेज रही हालांकि एवरेज स्थिति में भी और किसी तरीके से मज़दूरी करके राजेश सरैया को देहरादून में पढ़ाए और वहाँ से जब पढ़ाई कम्प्लीट हो गई तो राजेश सरैया का एडमिशन जो है रूस में करा दिया रूस में भी उनकी पढ़ाई कम्प्लीट हो गई जब हो गई तो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद राजेश के जॉब करने के लिए कोई अवसर और कोई विकल्प नहीं बचे थे तब जो है छोटी सी कंपनी स्टील की कंपनी उन्होंने खोली जिस कंपनी का नाम था स्टील मंट और स्टील मंट जब उन्होंने शुरुआत की तो लोग जो है उनके जाति के हिसाब से उनको हे दृष्टि से देखते थे और उनके सामानों को मांग नहीं होती थी लेकिन जब द, दलित अरबपति राजेश राजेशरै के सामान में क्वालिटी आने लगी और उनकी स्टील की मांग जो है पूरे दुनिया में होने लगी तो उनकी चर्चा जो है अरबपतियों में होने लगी और आज उसकी कंपनी स्टील मंट के बने स्टील जो है दुबई जर्मनी अमेरिका यूक्रेन और कई बड़े देशों में जो है बिकते हैं अब आते हैं कमाई के बारे में <coughs> स्टीलमेंट की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के अगर मुताबिक बात करेंगे तो स्टीलमेंट की टर्न ओवर जो है स्टील मॉन्ट की जो है टर्न ओवर जो है तीन सौ पचास मिलियन डॉलर है यानी एक महीने में जो स्टील मॉन्ट है राजेश सरैया की जो कंपनी है वो जो है तीन सौ पचास मिलियन डॉलर कमाते हैं अगर इसको हिंदुस्तानी रुपीज में चेंज करेंगे तो पैसा बनकर होगा छब्बीस अरब बयालीस करोड़ सड़सठ लाख पचास हजार रुपए हुआ जो कि सबसे बड़ी रकम है एक दिन की एक दर के दिन में जो है दलित सरैया जो है इतने कमाते हैं और पूरे हिंदुस्तान को एक साथ बैठकर खिलाते हैं खिला सकते हैं राजेश सरैया जो है लगातार स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं और वो अपने यहाँ तक पहुँचने के बावजूद भी और छठे नंबर के अरबपति में शामिल होने के बावजूद भी वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं वे लगातार स्ट्रगल किए और उनके स्ट्रगल से जिस तरीके से सफलता के झंडे गाड़े उसके लिए उनको दो हज़ार चौदह में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया और दो हज़ार बारह में उनको भारतीय प्रवासी पुरस्कार से सम्मानित किया गया जो कि आज तक में अपने आप में काफ़ी ये सराहनीय और क्वालिटी भरा बात है क्योंकि दलित अरबपति और दलित समाज को जिस तरीके से आज भी समाज में लोग जो हे दृश्य देखते हैं उन्हीं में से दलित सरैया थे जिन्होंने अपने सफलता के झंडे गाड़ दिए और आज उनकी कंपनी का टर्न इतना है कि एक साथ जो है भारत के लोगों को जो है कई महीनों तक बिठा खिला सकते हैं और ये है कई अरबपतियों को टक्कर दे रहे हैं वैसे दोस्तों एक गरीब परिवार में जन्मा दलित सरैया जो है आज दुनिया के छठे नंबर का अरबपति बने हुए हैं इसको कैसे देखते हैं और वो जब दिल्ली में जो कंपनी में बैठक हुई थी असेंबली में सॉरी एसोसिएशन में बैठक हुई थी बिले बिलेनियर्स एसोसिएसन्स में जब बैठक हुई थी राजेश सरैया की तब राजेश सरिया ने कहा कि जो लोग दलितों को कमज़ोर समझते हैं उनको जो है दलित और आप पत्तियों से सीखना चाहिए जो कि भारत के लोगों को एक साथ कई महीनों तक बिठा कर खिला सकते हैं वैसे दोस्तों आप लोग जो है दलित सरैया की इस सफलता को कैसे देखते हैं और दलित सरैया जो कहते हैं कि भारत के लोगों को कई महीनों तक बैठा कर खिला सकते हैं इसको कैसे देखते हैं और प्रतिदिन की कमाई जो तीन डॉलर है राजेश सरैया की जो हिंदुस्तानी अगर उपज बात करेंगे तो 26 अरब बयालीस करोड़ सड़सठ लाख पचास हजार हुआ जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी कमाई है और इसको अगर गिनिएगा तो काफी ये बहुत बड़ा डिजिट नंबर है इसको कैसे देखते हैं कमेंट कर लोलिए और आप भी चाहते हैं किसी तरीके से दलितों से संबंधित मुद्दे को दिखाया जाए बहुजनों से संबंधित मुद्दे को दिखाया जाए तो फिर जनतंत्र खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ कैमरा प्रसाद ही हैं एडिटर हरेंद्र बसंत जी बहुत